एडिक्शन बहुत सी तरह की एडिक्शन होती है, नशा व चीज़ें इस्तेमाल करना ही एडिक्शन नहीं, इसके अलावा भी एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों की है, ख़तरनाक एडिक्शन। ज़्यादा सोना, सोने की लिए गोली लेना, स्लीपिंग पिल्स लेना, ज़्यादा झूठ बोलना भी एडिक्शन में आता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आजकल के दौर की एडिक्शन जो है वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। स्मार्टफोन एडिक्शन से बचने का, स्मार्टफोन एडिक्शन के नुकसान आपके सामने पेश करता हूँ। स्मार्टफोन के ऐसे हैरत अंगेज़ डिसएडवांटेज हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ को किस तरह इफ़ेक्ट करता है स्मार्टफोन। आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक जगह होती है, मेडिकल के लोग इसको समझ पाएंगे कि डिसीजन मेकिंग एरिया होता है वो, उसको हाईजैक कर लिया जाता है, आपकी सोच को हाईजैक कर लिया जाता है। स्मार्टफोन अपने आप को स्मार्टफोन पता नहीं क्यों बोलता है। कैमरा ये खा गया, स्कैनर ये खा गया, कैलकुलेटर ये खा गया, ना जाने कितने बिजनेस बंद हो गए इस स्मार्टफोन के आने से, और कहता है मैं स्मार्ट हूँ। अड़ोस पड़ोस की दुआ सलाम ये खा गया, इमोशंस ये खा गया, हमारी तवज्जो ये खा गया, हमारी नींद ये खा गया, फिर भी कहता है मैं स्मार्ट हूँ। शायर इस बात पे कहता है कि पहले भी क्या वक्त था जब लोग साथ साथ बैठा करते थे, साथ साथ रहा करते थे, अब कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ रहता है। इससे मुराद ये है कि चार बंदे एक महफिल में बैठे हैं, चारों के पास सेल फोन है, चारों अपनी अपनी दुनिया में मगन है। फैमिली 75% फैमिली मेम्बर्स का ये मानना है कि जितने भी लोग आपस में बैठते हैं वो सब सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं एक वक्त में, फैमिली को टाइम कोई नहीं देता। 95% आपका पर्सनल स्पेस सोशल मीडिया खा जाता है। आप डेली रिसर्च से स्टेट से साबित है कि आप 2517 दफ़ा टैपिंग स्क्रॉलिंग करते हैं मोबाइल को, 51 टाइम्स सेल अनलॉक करते हैं डेली बेसिस पे। 29 और 30 एज के लोग जो यंगस्टर हैं, टीनेजर से रिसर्च से साबित हुआ है, वो कहते हैं कि हम हर 10 मिनट के बाद सेल फोन चेक करते हैं, स्मार्टफोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। ये हमारे वक्त को ज़ाया करने के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सेल फोन आपको इस्तेमाल कर रहा है या आप सेल फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। बिज़नेस के लिए सेल फोन फ़ायदेमंद है, ऑनलाइन स्टडी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, रिसर्च के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन एक हद तक। कोई भी कामयाब शख्स उठा के आप देख लें, उसकी लाइफ को उठा के देख लें, वो सेल फोन इतना एक्सेस इस्तेमाल नहीं करता होगा। सेल फोन इस्तेमाल करें ज़रूरत की हद तक। पहले ज़माने में सेल फोन नहीं था, फ़ोन था, तार से बंधा हुआ था, इंसान आज़ाद था। अब इंसान आज़ाद नहीं है, सेल फोन आज़ाद है, लेकिन इंसान कभी तार से बंध जाता है, चार्जर से बंध जाता है, कभी डेटा केबल से बंध जाता है। हर वक्त अपने आप को सेल फोन का मोहताज बनाया हुआ है। इस मोहताजी की वजह से इंसान एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जिसका नाम है नोमोफोबिया। ये ऐसी बीमारी है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और सेल फोन लेके नहीं निकलते, एक दो घंटे के अंदर ही आप अपने आप को फियर ऑफ बीइंग में मुब्तला पाएंगे। आप समझेंगे आप दुनिया से कट गए हैं, आपका सारा जहन सेल फोन पे लगा होगा, कहीं कोई कॉल तो नहीं आई होगी, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया होगा, कोई मैसेज तो नहीं आया होगा, कितने लाइक्स हो गए, कितने व्यूज़ आ गए, ये आप इसी के अंदर पड़े रहेंगे। ये नोमोफोबिया एक बीमारी है, इससे आप बचें और कोशिश करें अपने माहौल को चेंज करें। माहौल का बड़ा असर पड़ता है बुरी आदत को छोड़ने में और बुरी आदत का लगने में। आप पूछे कैसे, वो ऐसे कि इंसान के जिस्म में 70% से ज़्यादा पानी है। पानी की खासियत क्या है कि अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद ये बर्फ़ जम जाएगी इसके अंदर। इसी पानी को अगर आप चूल्हे पर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद ये बॉयल होने लग जाएगा। माहौल चेंज हुआ, असरअंदाज हो गया। इंसान के जिस्म में 70% पानी है, अट्रैक्शन से उसको फ़र्क पड़ता है, सराउंडिंग से उसके माहौल में फ़र्क पड़ता है। अच्छे लोगों में बैठेंगे अच्छी आदत आएंगी, बिजनेसमैन में बैठेंगे, बिग अचीवर्स में बैठेंगे, ड्रीमर्स में बैठेंगे, जो बड़े ड्रीम्स देखते हैं, आपका भी ड्रीम्स होगा, आपका ड्रीम फुलफ़िल होगा। अगर आप लूज़र्स में बैठेंगे, उल्टी सीधी बातें करने वाले दोस्तों में बैठेंगे, गीबत कर रहे हैं, इसकी गीबत उसकी गीबत, उसको सुन सुनाई बात को सुनी सुनाई बात को स्प्रेड करेंगे बैठे बैठे बिना तहकीक करें, तो नुकसान उठाएंगे। इससे बचने का ये तरीका है, कुछ टिप्स हैं। रात को सोने से पहले आप अपने पास फ़ोन चार्ज करके ना लेटें, सेल को अपने दूर रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें,
प्रैक्टिस करें, एक घंटा डेली, आधा घंटा डेली सेल के बगैर आप लाइफ गुजारें, और सेल को ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल करें। टाइम फिक्स करें, बाउंड करें अपने आप को कि आप एक घंटा या डेढ़ घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, बस इसके बाद आप अपनी रूटीन लाइफ गुजारेंगे। आपकी ये यंग लाइफ आपको बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, जिसको ये जितने भी अंग्रेज़ हैं समझ चुके हैं कि अगर मुसलमान सही तरीके से सोच विचार शुरू करें तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हम अपने दीन के लिए टाइम नहीं निकालते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, रोज़े के लिए टाइम नहीं निकालते, उल्टी सीधी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। हर वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ करके फिज़िकल बॉडी पे भी फ़र्क पड़ता है। फिजियोथेरापिस्ट का मानना है, वो कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास स्लिप डिस्क की वजह से लोग आ रहे हैं, हाथ सुन्न हो जाता है मोबाइल पे बात करते करते, स्पाइनल कॉर्ड का मसला आ गया। सेलफोन ने हमें अपना मोहताज कर दिया है, हमारी सोच को हाईजैक कर दिया है, तो कोशिश करें इससे बचें। कल हमारा टाइटन कॉलेज में एक सेशन है जिसमें मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जा रहा हूँ, एडिक्शन के टॉपिक पे मैंने बात करनी है, और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी है, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, परसेप्शन लोगों का चेंज होता है उसको एक पेज पे किस तरह ला सकते हैं, इसके अलावा सुनी सुनाई बात को स्प्रेड करने के क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। और ये सेशन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मिस सकीना जफर ने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे टाइटन कॉलेज शारे फैसल पे, और गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं एज़ अ डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सबको सब लोग जानते हैं, वन एंड ओनली डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे इंशाल्लाह ताला वो सेशन अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अस्सलामुअलैकुम।